हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जान लेते हैं हरी मिर्च, तीखी मिर्च जो खाने में बहुत ही ज़्यादा तीखी लगती है, जिससे खाने से हम सभी बचते हैं। बहुत से लोगों को हरी मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन दोस्तों इस तीखी मिर्च के बहुत ही ज़्यादा मीठे मीठे फ़ायदे हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हरी मिर्च का सेवन ज़रूर कीजिए आप। चलिए जान लेते हैं हरी मिर्च के फ़ायदे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंसर की। कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे बचाने के लिए हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए आप अपने खाने में हरी मिर्च को शामिल करना ना भूलें। स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हरी मिर्च। हरी मिर्च में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। आप तीखा खाते हैं तो आपकी त्वचा में निखार आता है, लेकिन इतना तीखा भी मत खाइएगा कि आपको नुकसान पहुँच जाए। आप लिमिट में ही तीखा खाएँ। शुगर जैसी बीमारी में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च पूंछ समेत 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट मिर्च को निकालकर पानी पिएं। इस विधि को आप 1 हफ्ते तक प्रयोग कीजिए। ऐसा करने से आपका शुगर कंट्रोल में आएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क लगेगा। 4 हफ्ते तक इस पानी का सेवन करते रहें और आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। दमे की बीमारी में भी हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दमे से अगर आप पीड़ित हैं, आपका कोई प्रियजन पीड़ित है, तो उसमें आप हरी मिर्च का रस निकाल लें। 1 चम्मच हरी मिर्च का रस निकाल लें। इसके साथ उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर लें और इसको आप खाली पेट खाएं। आपको 10 दिनों में फ़र्क नज़र आएगा, आपको दमे में राहत मिलेगी। दोस्तों, हरी मिर्च हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है, आपके खाना पचाने में आपको मदद मिलती है, आपको कब्ज़ जैसी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। हरी मिर्च का सेवन आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचा कर रखता है। हरी मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपको संक्रमण से दूर रखते हैं। इसीलिए आप हरी मिर्च का सेवन ज़रूर करें अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं। अगर आप में आयरन की कमी है, अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, तो उन्हें हरी मिर्च का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हरी मिर्च के सेवन से आपके अंदर आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। आपके बीपी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से बीपी की समस्या है तो उस स्थिति में भी हरी मिर्च का सेवन आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो डायबिटीज़ की स्थिति में भी आपके रक्तचाप को नियंत्रण में रख सकती है। हरी मिर्च में एक सबसे अच्छा गुण होता है मूड बूस्टर गुण। हरी मिर्च अगर आप खाते हैं और आपको कोई टेंशन है, आपको कोई परेशानी है, आप तनाव में हैं, तो आप हरी मिर्च खाइए। हरी मिर्च के सेवन से आपका मूड काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे। तो आज मैंने आपको हरी मिर्च के फ़ायदे बताए हैं। हरी मिर्च का सेवन करके आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।